हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरी आज की वीडियो है एक एग्लोनिमा के प्लांट के ऊपर, जो कि ये लिपस्टिक प्लांट भी हम कहते हैं। तो आज हमें इसे रिपोर्ट कर रहे हैं इस बोनसाई के पॉट में। तो ये देखें, हमारा ये होल है और इसके ऊपर हमें एक पत्थर का, जो भी मिट्टी का टिक्कर होता है, वो रखना है। और उसके बाद हम जो, तो ये हमारी सूखी पत्तियाँ हैं, ये हम इसके अंदर ऐसे सेट कर देंगे, एक लेयर बना देंगे। ये जितने भी हमारे प्लांट लगे हुए हैं उनकी सूखी हुई लीव वगैरह हैं, तो सिर्फ हमें ये करना है, इन्हें लगा देंगे एक लेयर को और फिर अपने इस प्लांट को निकाल के इसमें सेट कर देंगे। बहुत ही इजी है। तो इसकी जितनी भी रूट हैं हम वो नहीं तोड़ेंगे। इसके साथ साथ हमारा एक दूसरा प्लांट भी रेडी हो रहा है, तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी कोई भी रूट बिल्कुल भी नहीं काटी है। ये सिर्फ मैं इसे रिपोर्ट कर रही हूँ, इसमें मुझे खाद वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब कुछ मिक्स है। फाइनल हमारा पेड़ लग चुका है एग्लोनिमा का और हमने कुछ इसमें पत्थर डाल दिए हैं। और आप चाहें तो इसे पूरा पत्थरों से भर सकते हैं या एक लेयर बाय लेयर जमा सकते हैं। मैंने ऐसे ही थोड़ा सा लगा के दिखाया है आपको। तो देखें फ्रेंड्स, आज हम और दो प्लांट अपने रिपोर्ट करेंगे, दो अडेनियम के और तीसरा एग्लोनिमा का। तो आइए हम दूसरा अपना अडेनियम लगाने जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा पेड़ अडेनियम का है और ये दो प्लांट हैं हमारे अडेनियम के, जो मैंने भी कुछ समय पहले लगाया था। तो अब इसमें देखिए, ये नवंबर का महीना है और ये इसमें से सारे पत्ते झड़ने लगे हैं, लेकिन फ्लावरिंग बहुत अच्छे से अभी भी हो रही है। तो अब हम इसे दूसरे पॉट में शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने इस धागों की हेल्प से इसे अपने अडेनियम को थोड़ा सा सहारा दिया हुआ था, तो इसे हम अब कट कर देंगे और अपने अडेनियम को इसमें शिफ्ट करेंगे। देखिए, इसमें सारी खाद वाद सब हमने रेडी की हुई है, सिर्फ हमें रिपोर्ट करना है, हमें कुछ नहीं करना है। इसमें कोकोपीट, बोन मील, पर लाइट, सब कुछ इसमें ऑलरेडी सब कुछ डाला हुआ है। तो हम शिफ्ट करते हैं। मेरे दिवाली के दो पॉट थे जो कि मैंने लिए हुए थे, मैंने दो दिवाली पर इसे यूज़ किया पानी डाल के, जो कि हम फूल डाल के अपने घर में यूज़ करते हैं। तो अब ये वेस्ट रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें होल कर दिया जाए और इसमें अपने अडेनियम को शिफ्ट कर दिया जाए। तो बस मेरे दोनों काम भी आए और दिवाली पे, और अब मैंने क्या करा कि इसमें अब मैं शिफ्टिंग कर रही हूँ अपने प्लांट्स की। तो ये देखिए, मुझे ये करना है कि हमें फिर इसमें थोड़े से अपने जो हमारे गार्डन की सूखी पत्तियाँ हैं, हम इसमें वो डाल देंगे एक ले। तो ये देखिए, हमारा दूसरा प्लांट अडेनियम का है, ये भी हम अपना रिपोर्ट करेंगे और इस तरह ये धागे कट कर देंगे। पहले हम इन पत्थरों को साइड पे डाल देते हैं। पर लाइट और कोकोपीट डालने का हमें एक बेनिफिट ये होता है
कि जब भी हम पेड़ अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे तो ये पेड़ आसानी से निकल जाता है, और आसानी से निकलने का सिर्फ एक यही कारण है क्योंकि ये परलाइट हमेशा हमारी मिट्टी को पोरस रखता है, लाइट रखता है और काफ़ी ग्रो करने में प्लांट की हेल्प करता है। और जब भी हम रिपोर्ट करेंगे हमारा पेड़, नहीं तो मिट्टी टाइट होगी और ना ही कुछ पत्थर जैसा महसूस होगा, और प्लांट हम आसानी से जब चाहें रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसकी एक एक जड़ कैसे निकल रही है, और ये ज़्यादा नहीं, मुझे कुछ एक डेढ़ महीना हुआ है अभी। तो ये देखिए, अब हमें इस जड़ को हमें एक्स्ट्रा लग रहा है क्योंकि हमारी नई रूट्स आ चुकी हैं, तो इस जड़ को भी हम एक्स्ट्रा निकाल देंगे। तो इसमें भी हमें यही करना है, अपने होल किया है और इसे अब हम तो देखिए फ्रेंड्स, ये मिट्टी है जो काफ़ी पोरस है और बिल्कुल साफ़ सुथरी है क्योंकि ये हमारी पानी की टंकी में स्टोर हो चुकी थी। तो हमें ये लगा कि अडेनियम के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी है ये ज़्यादा पानी भी नहीं सोखेगी और आराम से इसमें ड्रेनेज होल से जो निकल जाएगी एक्स्ट्रा पानी जो इसका होगा। तो हमें क्या करना है कि हमने अपनी इसमें अपने जो खाद है इसी में इसको मिक्स कर करके थोड़ा सा हर प्लांट में मिक्स करके डाल दिया है। ये देखिए, मनी प्लांट में